അടെ അടെ കണ്ടിക്ക छोटी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। वैसे कैसे याद आ गई आपको अपनी बहन की इतने टाइम बाद? कुछ नहीं, कुछ टाइम से बीमार था, सोचा तुमको मैं फोन करता हूँ, दिल बह जाएगा। हाय अल्लाह खैर भाईजान, क्या हुआ आपको? बस कुछ नहीं, हल्का सा बुखार है जोंडे से। अल्लाह खैर करे भाईजान, आप दवाई ले रहे हैं ना? कहाँ से लूँ बेटा, इस्लामाबाद गए हुए अपने काम से, अगर मैंने उसको बता दिया तो वो अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आ जाएगा। बस सही है भाईजान, मैं आपके वहाँ आ रही हूँ और तब तक आपके साथ रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अरे छोटी, तुम क्या तकलीफ ले रही हो? नहीं भाईजान, बस मैं एक घंटे में आ रही हूँ आपके पास। अरे अरे फोन कट गया। हुरिया जाओ और जाके छोटे साहब को बुला के लाओ। हुरिया, हाथ में बजेंगी चूड़ियाँ। जी भी अम्मा। छोटे साहब, आपको आपकी दादी बुला रही हैं। जाओ मैं आ रहा हूँ। जी दादी, बुलाया आपने? वैसे अगर आपको कोई भी काम हो, उस्मान हाजिर। ओ छोटे अर्तुगल, मेरे भाई की तबीयत खराब है और मैं वहाँ जा रही हूँ, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, और एक और बात, मैं हूरिया और बिन मोहम्मद को बोल के जाऊंगी कि वो आपका ध्यान रखें। लेकिन दादी, मुझे घर पे अकेले डर लगता है। वो जो हर 5 मिनट में जंग के मैदान में उतरने के तैयार होता है, वो आज अकेले घर में रहने से डर गया। ये उस्मान की शान है, उस्ताकी है, लेकिन 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 कुछ नहीं। हुरिया जाके मेरी चादर ले आओ और मैं जा रही हूँ अंदर से, आके दरवाजा बंद कर लो। हुरिया, हाँ मैं बताऊंगी। जी भी अम्मा। हुरिया ये कुछ पैसे हैं, इससे मेरा उस्मान जो चाहे उसे लादना, और हाँ अगर मेरे उस्मान को कुछ हुआ ना, हमारी खैर नहीं। जी भी अम्मा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। चलो अल्लाह हाफिज। छोटे, बड़ी पार्टी लग रही है, रिपोर्ट निकालवाओ सालों। जी बॉस। निकाल उसको गाड़ी। तो कहते हैं ना छोटे, अंग्रेजी में जस्ट वेट एंड वॉच।